बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, हमने आपको पढ़ाया था, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे 10-11। आज उसके आगे का देख लीजिए। पहले आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं। कारनॉट इंजन है जो आपका रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर एंड टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट। हाँ, कार की डिग्गी में तो नहीं है, कार की में होगी, कार में ये तो कार में होगा। बंद तो गया, कार की डिग्गी में, कार में इसमें रखी है। एंड टेक्स टू 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टेक्स 500 कैलोरी फ्रॉम कोल्ड बॉडी। सर्वज्ञ, ये दरवाजा बंद करो। टेक्स 500 कैलोरी फ्रॉम कोल्ड बॉडी और 500 कैलोरी देता है। नंजा कार में हमारी कैलोरी टेक्स 500 कैलोरी टेक्स 500 कैलोरी फ्रॉम कोल्ड बॉडी एट 700 केल्विन टेक्स 500 कैलोरी फ्रॉम कोल्ड बॉडी एट 700 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज 1000 केल्विन। ठीक है, 1000 केल्विन देन कैलकुलेट द रिजेक्टेड हीट। चले जाओ गुण से, चले वहीं पे पहुंच जाओ विजयनगर में। बच्चे आ जाएंगे ना 5 बजे, तो गुण को बैठा ले रखना। 5:20 पे जाना, तो पैसे दे तो दिए थे। अच्छा, कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर एंड टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट from cold body at 700 Kelvin and temperature of hot body is 1000 Kelvin then calculate the rejected heat and work done calculate karna hai rejected heat aur work done ko to figure bana लीजिए। ये है आपकी
ये है आपकी हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर हम T1 से दिखाते हैं, ये है कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर हम T2 से दिखाते हैं, बीच में है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर Q1 हीट ली, वर्क हुआ, Q2 हीट रिजेक्ट करें, ठीक है। ये भी आइडियल गैस स्केल T1 टेम्परेचर पर Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा और T2 टेम्परेचर पर Q2 हीट एब्जॉर्ब करेगा, T2 टेम्परेचर पर Q1 हीट रिजेक्ट करेगा T1 टेम्परेचर पर, Q1 हीट रिजेक्ट करेगा T1 टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए Q1 की वैल्यू आपको निकालनी है, Q2 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू रिजेक्टेड हीट Q2 हीट जो ली है 500 कैलोरी, T1 का मान 1000 केल्विन है, T2 का मान 700 केल्विन, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 ये आइडियल गैस स्केल है, आइडियल और परफेक्ट गैस स्केल, आइडियल और परफेक्ट गैस स्केल। Q1 Q2 की वैल्यू है 500, T1 की वैल्यू 1000, T2 तो Q1 की वैल्यू 5000 अपॉन 7, ठीक है। ये हो गया आपका, तो आप 5000 में 777 से डिवाइड करिए, 5000 में 7 से डिवाइड करिए, 5000 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 714.28 कैलोरी, ये आपका, ठीक है। अब आपका वर्क डन W का मान Q1 माइनस Q2 714.28, Q2 का मान 500 क्या हुआ, Q2 का मान 500, तो W का मान हो गया 214.28 कैलोरी। इसे आप जूल में, अब यहाँ पर इस वर्क डन में 4.12 से या 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन W की वैल्यू 214.2, हाँ हेलो कौन, हाँ हाँ बोलो बताइए, हल हाँ बताओ अमर दिवाकर क्या है प्रॉब्लम बताओ,
अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं, कौन सी कोचिंग में? गुरुदेव पे खड़े हो कि विजयनगर में? अच्छा, तो चाचा आ रहे हैं, बैठो, बस आ रहे हैं चाचा, दो मिनट रुको, हम भी 10-15-20 मिनट में पहुँचेंगे। क्या काम था तुमको? क्या क्या काम था बताओ? किस क्लास में एडमिशन लेना है? हाँ, किस क्लास में एडमिशन लेना है ये हम पूछ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, बस अब आ रहे हैं हम 10-15 मिनट। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर W की है, जरा मल्टीप्लाई कर लो, 4.2.14 को 2.14 को 214.28 इंटू 4.2, ये आएगा 899.976 जूल, ये आपका। तो देखिए जरा न्यूमेरिकल के, एक कारनॉट इंजन है रेफ्रिजरेटर की तरह। धनुचा चले गए? धनुचा फॉर्म दे दो, कह दो एक बच्चा आया, फॉर्म भरवा लें, फीस ले लें उससे। बुलाओ धनुचा, बुलाओ, कह जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एट 700 कैलोरी एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज 1000। वो फॉर्म लिए जाओ और भरवा लें। एक बच्चा खड़ा हुआ है, फॉर्म भरवा लेना। कौन सा फॉर्म? कोचिंग का फॉर्म लिए जाओ। नहीं, वो जो जिसमें कवर लगा हुआ, देखो नीचे रखे, हाँ ये लिए जाओ। एक फॉर्म ऊपर गड़बड़ हटा देना, देखो शायद ऊपर गड़बड़, हाँ वो सही है, लाइट लाओ, देख, हाँ ये हटा देना, फिर दूसरा भी हटा दो। अरे इनसे कहना कागज ऐसा का लगा देते हो यार। अब देखिए युग सही तरह बंद करो, 700 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज 1000 केल्विन, देन कैलकुलेट द रिजेक्टेड हीट एंड वर्क डन। हॉट बॉडी रेफ्रिजरेटर है ना, तो कोल्ड बॉडी से Q2 हीट लिया, अपोजिट वर्क डन किया, हॉट बॉडी को रिजेक्ट किया, तो Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q2 की वैल्यू है 500 कैलोरी, T1 का मान 1000 केल्विन, T2 का मान 700। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। Q1 और Q2 का मान 500, T1 का मान 1000, T2 का मान 57, ये लगा लिया तो 5000 अपॉन 714.28। वर्क डन W बराबर Q1 माइनस Q2, 714.28 माइनस 5, 214.28 कैलोरी। एक और न्यूमेरिकल बच्चों लगाइए, इसी तरीके का है, थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि एक कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर, एक कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर, एज ए रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर बिटवीन ए कारनॉट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 260 केल्विन एंड 300 केल्विन, 260 केल्विन एंड 300 केल्विन रिसीव्स 500 कैलोरी ऑफ हीट, रिसीव्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द रिसर्वर
from the reservoir at higher temperature. Reservoir at higher temperature. Calculate the amount of work done in each cycle. Calculate the amount of work done in each cycle to operate as a refrigerator. A Carnot engine working as a refrigerator between 260 Kelvin and 300 Kelvin. जो कार्य कर रहा है रेफ्रिजरेटर की तरह 260 केल्विन और 300 केल्विन की receives 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम reservoir एट हाई टेम्परेचर reservoir जो हाई टेम्परेचर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच साइकिल. तो ये देखिए हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर की कोल्ड बॉडी टेम्परेचर टी टू, बीच में गैस सिलेंडर. तो ये इंजन रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है. क्यू टू हीट कोल्ड बॉडी से ली, जो हॉट रिसर्वर की तरह वर्क कर रहा है अपोजिट वर्क डन किया, Q1 हीट हॉट बॉडी को. तो ए कार्नोट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 260 केल्विन, T1 की वैल्यू 300 केल्विन, T2 की वैल्यू 260 केल्विन एंड 300, रिसीव्स 500 कैलोरी, जो Q2 की वैल्यू लिया है 500 कैलोरी, Q2 की वैल्यू 500 कैलोरी फ्रॉम द रिसर्वर एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, हायर टेम्परेचर Q1 आपको निकालना है. तो आइडियल गैस स्केल है Q1 अपॉन Q2 Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू T1 अपॉन T2 के बराबर. अब यहां पर Q1 का मान आपको लाना है, Q2 का मान है 500, T1 का मान है 300,
T2 का मान है 260, तो Q1 बराबर 300 इंटू 560, 260। सॉल्व करिए तो ये आ गया आपका 15,000/26। Q1 की वैल्यू आ गई 576.92 कैलोरी। ये Q1 की वैल्यू, मतलब ये जो कोल्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर हायर है। अब वर्क डन W की वैल्यू, वर्क डन W की वैल्यू Q1 माइनस Q2, वर्क डन W की वैल्यू Q1 माइनस Q2, तो 576.92 माइनस 500, तो W की वैल्यू 76.92 कैलोरी। ये अब इसे जूल में कन्वर्ट करिए तो W की वैल्यू 76.92 इंटू 4.2 जूल, तो ये W का मान आ गया, W की वैल्यू आ गई, यहां पर W की वैल्यू आपकी आ गई, मल्टीप्लाई करिए 4.2 से तो 323.0 से W का मान 323.06 जूल। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल, तो इसमें ये जब रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करेगा तो कोल्ड बॉडी से हीट लेगा, और वो कोल्ड बॉडी हॉट रिसर्वर की तरह कार्य कर रही है। हॉट रिसर्वर मतलब हॉट बॉडी की तरह कार्य कर रही है, हॉट रिसर्वर की तरह वो कोल्ड बॉडी कार्य कर रही है, कोल्ड बॉडी एक्टिंग एज ए हॉट रिसर्वर, हॉट रिसर्वर की तरह कोल्ड बॉडी काम कर रही है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल है, एक कारनॉट इंजन हूज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, हूज टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 400 केल्विन, टेक्स 200 कैलोरीज ऑफ हीट, टेक्स 200 कैलोरी ऑफ हीट, टेक्स 200 कैलोरी ऑफ हीट एट दिस टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर है, एट दिस टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स, और रिजेक्ट करता है, एंड रिजेक्ट्स 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, ऑफ सिंक क्या होगा टेम्परेचर सिंक का। आल्सो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, आल्सो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, आल्सो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। ए कारनॉट इंजन हुज टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 400 केल्विन,
एक कारनॉट इंजन है जिसके सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन है, टेक्स 200 कैलोरी ऑफ हीट और जो लेता है 200 कैलोरी ऑफ हीट एट दिस टेम्परेचर, 200 कैलोरी ऑफ हीट एट दिस टेम्परेचर, 200 कैलोरी हीट लेता है इस टेम्परेचर पर एंड रिजेक्ट्स 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, और रिजेक्ट करता है 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड आल्सो कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ द इंजन, और कैलकुलेट करिए इफिशियंसी। तो देखिए कारनॉट इंजन है, कारनॉट इंजन है, कारनॉट इंजन है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, सिंक का टेम्परेचर T2, बीच में है गैस सिलेंडर, इसमें बीच में है गैस सिलेंडर, बीच में है गैस सिलेंडर, Q1 हीट लेगा, ठीक है, Q1 हीट लेगा, वर्क करेगा, Q2 हीट रिजल्ट करेगा। कारनॉट इंजन हूज टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 की वैल्यू 400 केल्विन, टेक्स कितनी हीट लेता है 200 कैलोरी, रिजेक्ट कितनी करता है Q2 का मान 150 कैलोरी, ठीक है। आपको टेम्परेचर बताना है सिंक का, तो आइडियल गैस स्केल है, आइडियल गैस स्केल Q1 अपॉन Q2, T1 अपॉन T2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, Q1 की वैल्यू है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, Q1 की वैल्यू 200 कैलोरी, Q2 की वैल्यू 150 कैलोरी, T1 की वैल्यू 400 केल्विन, T2 की वैल्यू आपको निकालनी, तो T2 बराबर 400 इंटू 150 बटे 200, तो T2 की वैल्यू 300 केल्विन आई, T2 की वैल्यू 300 केल्विन आई। एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू 1 माइनस T2 अपॉन T1 परसेंट में निकालना है, T2 की वैल्यू है 300, T1 की वैल्यू है 400 × 200, तो ये हुआ ईटा परसेंट में, 400 माइनस 300 बटे 400 इंटू 100, तो ये आया 400/4 25%, 25% इफिशियंसी। एक कारनॉट इंजन है जिसके सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन है, एक कारनॉट इंजन है जिसके सोर्स का टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, टेक्स 200 कैलोरी ऑफ हीट, कितनी लेता है 200 कैलोरी ऑफ हीट एट दिस टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, और रिजेक्ट करता है 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, सिंक को 150 कैलोरी हीट रिजेक्ट करता है
What is the temperature of sink? क्या होगा सिंक का टेम्परेचर? Also calculate efficiency of the engine. तो ये देखिए सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, ये गैस सिलेंडर. Q1 हीट लिया, वर्क किया, Q2 रिजल्ट किया. Q1 T1 की वैल्यू 400 केल्विन, Q2 जो आपका रिजेक्ट किया है वो 150 कैलोरी, Q1 जो एब्जॉर्ब किया है 200 कैलोरी, T2 निकालना है. आइडियल गैस स्केल Q1 अपॉन Q2, T1 अपॉन कर दिया Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2. सॉल्व किया, T2 की वैल्यू 300 लगा लिया ईटा परसेंट में, 1 माइनस 300 बटे 400 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 100 से ही कट गया, 100 बटे 4 25%. बच्चों आज यही तीन न्यूमेरिकल लगाइए, आज लेट हो गया था तो फिर क्लास डाउनलोड भी करनी है, अब समय नहीं बचा है, तो आपको वेनसडे की क्लास बड़ी करेंगे, आज नहीं हो पाएगी. ठीक है बच्चों, इतना ही करिए.